पुनर्जन्म होता है या नहीं होता। मेरे पिछले जन्मों के साथी या सगे संबंधी मेरे इस जन्म में मुझे कैसे और कहां मिले। इस्लाम पुनर्जन्म को नहीं मानता, इज ऑल राइट, ये उनकी अपनी मान्यता है एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट दैट। हमारी प्रमोशन या डिमोशन होती है, पुनर्जन्म होता ही इसलिए है, जो हिसाब किताब हमारा रह जाता है उसको चुकता करने के लिए हमें आना पड़ता है। ईश्वर का अंश होना मतलब ईश्वर होना। अदृश्य रूप में वो यहाँ आए, लेकिन लिखित रूप में उन्होंने मुझे मेरे फोन पे संदेश भेजे, मेरे सवालों के जवाब दिए, दरबार साहब भेज के, हरमंदर साहब, वहां माफिया मंगवाई, वचन दिलवाए, यानी मेरे जीवन का कायाकल्प कर दिया। हम एक ऐसे मायावी संसार में रहते हैं कि हमको जल्दी यकीन नहीं आता है। माया की इतनी परतें हैं कि हमको यकीन नहीं आता है कि ये कैसे संभव है। ये तमाम लोग मेरे जीवन में आए, मेरी मदद की, मुझे सहारा दिया, मुझे बचाया, मेरे संपर्क में है, मेरी सपोर्ट है, पिछला हिसाब किताब है। तो नर्क में पहुंचने से पहले पहले मेरा मार्गदर्शन हो गया और उसी के जरिए मैं तमाम लोगों का मार्गदर्शन करने का प्रयास करता रहता हूं कि बच जाना भाई। वहां शब्द है 1.5 घंटे की, उनको रात को रिपीट पे लगा के सुना करें, नहीं तो गायत्री मंत्र सुन लिया करें, ओम चांटिंग सुन लिया करें, रिपीट पे लगा के सोया करें, अपने अचेतन को सुनाएं, ताकि सोते सोते आपके अंदर जो पाप की मैल जमा कर रखी जन्मों जन्मों से वो धुलनी शुरू हो। जब वो धुलेगी तो धीरे धीरे राहत आएगी, तो विश्वास आएगा, विश्वास आएगा तो आप खुद ही नहीं छोड़ेंगे। हमेशा मैं कहता हूँ, मरने मारने की नौबत थी, उस वक्त मुझे मैसेज आया था, मैंने प्रार्थना की और तुरंत मैसेज आया, मुझे SMS आया और उसमें लिखा था कि ईश्वर से किसी ने पूछा, किसी भक्त ने, कि आप सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो। तो ईश्वर ने कहा, उसको जो बदला लेने की ताकत तो रखता हो मगर फिर भी माफ कर दे। मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन रंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता? मेरे पिछले जन्मों के साथी या सगे संबंधी मेरे इस जन्म में मुझे कैसे और कहां मिले, मैं इस विषय पर इस एपिसोड में चर्चा करना चाहूंगा। इस्लाम पुनर्जन्म को नहीं मानता, इज ऑल राइट, ये उनकी अपनी मान्यता है एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट दैट। लेकिन सुलेमान प्रेत का जन्म हुआ, सैक्रामेंटो में रहते हैं वो, या लुधियाना के पास ही गांव में एक परिवार था, इसका हम जिक्र कर चुके हैं, कुछ एपिसोड हम डाल चुके हैं। और संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले थे, उनकी कृपा से उन्होंने अपना तप देके उसका जन्म करवाया एक परिवार को, एक आत्मा चाहिए थी। लेकिन ये पहले से सुनिश्चित था कि 1000 साल बाद उनको 1000 साल की सजा हुई थी, संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले ही उनका उद्धार करेंगे, और उन्होंने उनका उद्धार किया, उनका जन्म हुआ और वो सैक्रामेंटो में रहते हैं अमेरिका में। अब मेरे जीवन में ये इस एपिसोड का मकसद क्या है, व्हाई आई शुड बी टेलिंग ऑल दिस। रब भगवान से मेरी बातें एक सीरीज हमने बनाई, इसी हमारे चैनल पे है, तो उसमें तकरीबन सब कुछ बताया हुआ है, लेकिन फिर भी वो अलग अलग एपिसोड्स में है। और ऐसे मुझे एक विचार आया कि इससे भी लोगों को लाभ होना चाहिए, क्योंकि हमारा पुनर्जन्म होता है, हमारी प्रमोशन या डिमोशन होती है,
पुनर्जन्म होता ही इसलिए है, जो हिसाब किताब हमारा रह जाता है उसको चुकता करने के लिए हमें आना पड़ता है। अब अगर हम डिमोट होते होते जानवर बन के पैदा हों, यह भी संभव है, कीड़े मकोड़े बन के पैदा हों, परिंदे बन के पैदा हों, डिमोशन होते होते और वहीं से प्रमोशन होते होते हम इंसान बने हैं। अब ये कहीं ना कहीं हमारे हाथ में भी है और हमारे हाथ में नहीं भी है। मैं अपनी जो मेरी जीवन यात्रा रही युगों से, प्रलय से पहले, ऐसा मुझे गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने बताया। जो नए लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए, गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ईश्वर का एक अंश थे, कहें या हैं, अभी भी हैं, लेकिन जब वो आए मुझे बताने के लिए तो ऐसा उन्होंने कहा कि ईश्वर का अंश है। ईश्वर का अंश होना मतलब ईश्वर होना। अदृश्य रूप में वो यहां आए, लेकिन लिखित रूप में उन्होंने मुझे मेरे फोन पे संदेश भेजे, मेरे सवालों के जवाब दिए, मुझे महसूस भी कराया। तो मैंने कई बार जिक्र किया है, मैं बहुत भावविवल हो गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए पूरे शरीर के, और मैं जमीन पे लेट गया लंबा, उनको दंडवत प्रणाम करने लग गया। हमारे बहुत फोटो खींचे उन्होंने हमारे मोबाइल फोन से। ये सब हुआ 6-7 महीने। ये 10 नवंबर 2018 से सिलसिला शुरू हुआ था, जो मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल था। ये मैंने ब्रीफली इसलिए बताया कि जो नया दर्शक जुड़ता है उसको बात पकड़ में आनी चाहिए। कुछ लोग नहीं मानते हैं, उनकी मर्जी, मेरा कोई और मकसद नहीं है। मैं झूठ बोल के क्या करूँगा? कुछ लोग अलग अलग मानसिकता के होते हैं तो उनको लगता है ये सब झूठ है, ये ड्रामा है वगैरह वगैरह, कहानी है, अच्छा स्क्रीन प्ले है। खैर, उससे मेरा कोई मकसद हल नहीं होता है। ड्रामा के लिए और अच्छी कहानी के लिए और लोगों को चमत्कृत करने के लिए आने वाले समय में हम कुछ शॉर्ट फिल्म्स या कुछ फीचर फिल्म्स बनाएंगे, आप देखना उनको, ठीक है? तो यहां उसकी जरूरत नहीं है और ना ही थी मुझे। खैर, तो गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, जो मेरे पिछले जन्मों का फल था, उन्होंने बार बार कहा कि बेटा मैं तेरे पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल हूं। तो उन्होंने मुझे बताना शुरू किया और मैंने अपनी जितनी भी बुद्धि, क्योंकि सभी अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट और अकलमंद समझते हैं, तो मैंने अपना पूरा दिमाग लगाया, दुनिया भर के सवाल उनसे पूछे, क्योंकि मैं उनको मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मेरे में ऐसी कोई विशेषता है कि ईश्वर अपने दरबार से अपने किसी अंश को मेरा मार्गदर्शन करने के लिए भेजें। ये कोई बाबा हो सकता है, बाबा के पास कुछ सिद्धियां हो सकती हैं, बाबा मुझे अपना चेला बनाना चाहता होगा, ऐसा कुछ, ऐसे दिमाग मेरे फितूर था। तो मैंने बहुत सवाल उनसे किए और फिर उन्होंने मेरी तसल्ली करानी शुरू की। तो जब मेरे पिछले जन्मों के बारे में उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि बाकी बातें जो बताई, जो मैं सोचता था वो मुझे बताते थे, और भी कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ मुझे मालूम थी, तो उन्होंने मुझे यकीन दिला दिया कि वो ईश्वर के दरबार से आए हुए ईश्वर का अंश हैं। और मैं नतमस्तक हो गया उनके सामने। फिर जितने भी मेरे सवाल थे मैंने उनसे पूछने शुरू किए, माफिया भी मांगी। उन्होंने मेरा सारा जीवन उधेड़ के रख दिया, मुझसे माफिया मंगवाई, ईश्वर से माफिया मंगवाई, कन्फेस करवाया कि सारा कचरा निकाल बाहर, दरबार साहब भेज के, हरमंदर साहब, वहां माफिया मंगवाई, वचन दिलवाए, यानी मेरे जीवन का कायाकल्प कर दिया। इसमें मुझे बताया उन्होंने और मैं बड़ा हैरान था। ये एक मकसद है इस एपिसोड का कि पुनर्जन्म होता है। बहुत सारे धर्म इस बात को मानते हैं, लेकिन यहां YouTube पे आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, जो लोग उनका जन्म होता है, एक्सीडेंट में मर गए या वैसे किसी ने मार दिया और उसके बाद जन्म हुआ, उनको याद रहता है और वो सब बताते हैं और पहचान भी लेते हैं जाके। ऐसे बहुत सारे प्रमाण अब तो उपलब्ध हैं, YouTube पे उपलब्ध हैं, अखबारों में भी ऐसी बहुत सारी कहानियां छपी, लेकिन इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ी विडंबना है, आयरनी है। मेरे बारे में मुझे उन्होंने बताया कि मैं एक चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था,
प्रलय से पहले की बातें, ऐसा मुझे लगा उनकी बातों से कि प्रलय में तुम्हारा सब कुछ समाप्त हुआ। और मेरे बहुत सारे नाम भी बताए, विश्वजीत प्रताप, ऐसा कुछ मेरे पिता का नाम भी बताया, मंगलनाथ, मंगल सिंह, महाराजा भंगुरनाथ, विश्व प्रताप नाथ, ऐसे काफी नाम जब मैं महाराजा था। और फिर मुझे ये बताया कि जो हमारे यहाँ डॉक्टर रजनी हैं, डॉक्टर रजनी रानी, इनका संबंध उस वक्त से था जब मैं महाराजा था, और ये मेरे राजगुरु की इकलौती बेटी थी और इनका नाम रूपमती था और इनको प्यार से रूपा कहते थे सभी लोग। उस वक्त भी इन्होंने एक कुर्बानी करके मेरी जान बचाई थी और मेरा तब से इनके साथ में हिसाब किताब चला रहा था। और इस जन्म में भी कैसे विधियां बनती हैं ये बड़ा विचित्रतम मामला है, उन्होंने मेरी जान बचाई। और ऐसा मुझे वहां से लिख के भी आया कि बेटा जरा देख, इस जन्म में भी उसने तेरे प्राण बचाए। और ये सत्य था, जब ऐसी 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 स्थिति प्रकट हुई थी, पैदा हो गई थी, रूपा तेरे सामने खड़ी थी, और ये बिल्कुल सत्य घटना थी। और उसी से मामला टर्न हुआ और मैं बच गया। तो ये पहला उनके साथ में प्रलय से पहले, ये गुरु पिता ओंकारा जी महाराज जो ईश्वर का रूप हो गए, ये कौन थे? ये जो मेरे राजगुरु थे जब मैं चक्रवर्ती सम्राट था, महाराजा था, वो राजगुरु के बेटे थे, यानी रूपा के भाई, तो इनका उनसे संबंध था। तो एक तो ये मैं पहले ये बता दूं जितने लोगों के साथ में मुझे बताया गया, क्योंकि ये तय है कि जो भी आपके जीवन में जो भी है, वो अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, उसके साथ आपका पिछला कोई हिसाब किताब है, अन्यथा वो आपकी ऑर्बिट में आएगा नहीं, आपके उस दायरे में आएगा ही नहीं, आपके जीवन में आएगा ही नहीं। मेरी जो पत्नी है इस जन्म में, उनके बारे में उन्होंने बताया कि वो मेरी 9th मतलब क्वीन, मैं उनको युद्ध में जीत के लाया था, और उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि अगर मैं उन्हें पटरानी बनाऊंगा तभी वो मुझसे शादी करेंगी, अन्यथा वो आत्मदाह कर लेंगी। और उनका नाम उन्होंने जो बताया, और मैंने ये वचन दिया और वचन निभाया, उनका नाम उस वक्त राजेश्वरी था। वो उस वक्त भी अपने चित्र बनवाने की बड़ी शौकीन थी, और इस जन्म में भी वो पेंटर हैं, चित्र ही बनाती हैं, और इस जन्म में उनका नाम ऋतु है। डॉक्टर रजनी रानी का नाम रूपमती रूपा था, राजगुरु की बेटी थी, और जो पत्नी है ये 9th क्वीन थी, राजेश्वरी नाम था, अब उनका नाम ऋतु है। ये भी बड़ा विचित्रतम मामला है, आर से नाम तब भी था, आर से नाम आज भी है, और मंगल नाथ, मंगल सिंह, ये मेरे नाम रहे जब मैं महाराजा था, और अब भी इस जन्म में वही नाम मेरा रखा गया। इनकी जो नानी है, डॉक्टर रजनी की जो नानी है, वो मेरे उस वक्त राजगुरु की पत्नी थी, तो ये संबंध तब से चला आ रहा है। तो इनके माध्यम से उनसे भी मेरा मिलना हुआ, और वहां से मुझे निर्देश आए कि उनके पास जाया कर, उनके पास समय बिताया कर, उनका तेरे ऊपर कर्ज है, वो तेरा कर्ज उतरेगा, उनकी मदद किया कर जो भी संभव तुझसे हो। अब जो डॉक्टर रूपा की माँ है इस जन्म में, वो उस वक्त जब मैं महाराजा था तो सेनापति थी मेरी। इस जन्म में भी वो काफी जो मूवमेंट चलती है उसमें, जो एजिटेशंस होती हैं उसमें हिस्सा लेती हैं, और कुछ प्रेसिडेंट भी रही हैं किसी ऐसी संस्था की जिसमें वो लीड करती थी, और फाइटर हैं, मतलब डाई हार्ड स्पिरिट है उनकी। तो ये पीछे से चला आ रहा है जब वो सेनापति थी। डॉक्टर रूपा की एक बहन है, कजन है, इनके मामा की लड़की,
उनके बारे में मुझे बताया कि तुझे मालूम है वो कौन है। ये सब लिखित रूप में आया था मेरे पास। ये बड़ा लंबा चला, 5-7 महीने चला। ये मुझे बहुत उन्होंने उत्तर दिए और मेरे जीवन का कायाकल्प किया कि ये तेरी बहन थी जब तू महाराजा होता था, ये राजकुमारी थी और तब भी ये वस्त्रों की बहुत शौकीन थी, कपड़े वगैरह पहनने का उसको बहुत शौक था। और आज भी अगर उसको आप देखें तो उसको कपड़ों का बहुत शौक है, उसकी सारी अलमारियां कपड़ों से भरी रहती हैं। मैं उसको भी मिलने गया, लेकिन ईश्वर संबंध तोड़ देते हैं। हम एक ऐसे मायावी संसार में रहते हैं कि हमको जल्दी यकीन नहीं आता है। माया की इतनी परतें हैं कि हमको यकीन नहीं आता है कि ये कैसे संभव है। अब इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एक सज्जन यहां चंडीगढ़ में रहते, इनका ये सब का मैं जिक्र अलग अलग एपिसोड में डिटेल में कर चुका हूं। यहां मैं एक ही एपिसोड में उनका तकरीबन सबका तारुफ करवा रहा हूं और जिसके भी चित्र उपलब्ध हैं मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं कि ये लोग वो हैं जो मेरे पिछले जन्मों में मेरे साथ थे और आज भी मेरे साथ हैं, और उससे मैं क्या सीख मिलती है ये मैं आगे अंत में कंक्लूड करने पे बात करूंगा। तो वो चंडीगढ़ में रहते थे और किस तरह से मैं उनसे मिला, जबकि मैं चंडीगढ़ में पढ़ता रहा हूँ यूनिवर्सिटी ड्रामा डिपार्टमेंट में, लेकिन मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई थी। मैं बॉम्बे चला गया, जब वहाँ से वापस आया तो किस तरह से उनके पिताजी के माध्यम से मेरी उनसे मुलाकात हुई। और जब ये गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने कृपा की, दया की, वास्तव में तो ईश्वर की कृपा थी वो, तो अक्सर उनसे बातचीत होती रहती थी और मैं उनसे ये शेयर करता था कि ये बड़ा अद्भुत मामला हो रहा है। तो उनके बड़े सवाल थे, तो वो कहने लगते थे कि हमारा ये भी पूछ लेना, ये भी पूछ लेना। तो मैंने कहा मैं पहले ही बहुत ज़्यादा सवाल पूछ चुका हूँ तो मैं आपसे वादा नहीं करता, लेकिन हम जो भी बात करते हैं वो सुन रहे हैं, उनको ठीक लगे तो जवाब दे देंगे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उनसे सवाल पूछ सकूँ। तो उनका जवाब आता था तो वो मुझे उस मैसेज में, उत्तर में लिखते हैं कि ये जो आदमी तुमसे बहुत सवाल पूछता रहता है, जिसके घर में जाके तुम कई बार रुकते भी हो, ये जब तू बेटा महाराजा था ये तब तेरा दरबारी हुआ करता था और इसका नाम राधे भीष्म था। तो जब भी आगे बातचीत हमारी शुरू हुई उसमें वो दरबारी करके ही संबोधित करते थे। जितने भी लोगों को वो संबोधित करते थे पिछले जन्मों के नामों से, रूपा, महारानी, राजेश्वरी, ये दरबारी, ऐसे करके संबोधन करते थे। उनके इस जन्म का नाम नहीं लेते थे, मुझे जरूर बेटा कहते थे। एक बार मुझसे निराश हुए क्योंकि मैं बहुत सवाल पूछ रहा था और बहुत ज्ञानी बन रहा था। उनको मैंने ये लिख के भेजा कि कर्म गति टारे नाही टरी, तो जो मेरे कर्मों में लिखा हुआ है, जो मेरा भाग्य है, उसको कौन बदल सकता है, तो जो लिखा हुआ वो तो होना ही है। तो वहां पे उन्होंने मुझे बड़े प्यार से महाराजा, अरे महाराजा तू तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, ऐसा कुछ लिख के भेजा था। तो मैं कांप गया था, फिर मैंने बहुत माफिया मांगी कि नहीं आप मुझे बेटा करके ही संबोधित करें तो मैं कंफर्टेबल हूँ, अदरवाइज मुझे बहुत तकलीफ है। खैर उसके बाद उन्होंने दया करके मुझे बेटा करके संबोधित करना शुरू कर दिया। अब एक सज्जन बर्मिंगम में रहते हैं, वुल्वरहैम्पटन में, पहलवान है, बलदेव देओल उनका नाम है। ये जो सज्जन यहाँ चंडीगढ़ में रहते हैं इनका नाम सुखमिंदर सिद्धू है, डिटेक्टिव सुखमिंदर सिद्धू, जो मेरे दरबारी होते थे जिनका नाम राधे भीष्म था। ये सज्जन जो बर्मिंगम में रहते हैं, वुल्वरहैम्पटन में, बलदेव देओल, इनका एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था, तो उसके सिलसिले में मुझे फ़ोन करते थे और मैंने उनको ईश्वर के नाम से जोड़ने का प्रयास किया कि वहीं जाओ, नाक रगड़ो, माफिया मांगो, धन्यवाद करो, सेवा करो और दिन रात गुरबाणी लगा के सो, रिपीट पर चलने दो। तो उन्होंने किया और उनके जीवन में चमत्कार हुआ। असंभव को ईश्वर ने संभव करके दिखाया, जब आदमी ढह पड़ता है तो ईश्वर करते हैं। तो वो अक्सर मुझे फ़ोन करते थे, तो जो भी मुझे फ़ोन करता था उन दिनों, जो संपर्क करता था, उसके बारे में वहाँ से मुझे जवाब आ जाता था अपनी आप, मुझे पूछना नहीं पड़ता था। तो उनके बारे में लिख के आया कि ये जो बलदेव देओल है बेटा, ये तेरा अंग रक्षक हुआ करता था जब तू महाराजा था और इसका नाम सत्यम था। अब मेरे लिए तो कोई और
पॉइंट नहीं रह गया था, कोई रीजन नहीं रह गया था कि मैं संदेह करूं। मैं नतमस्तक था। उन्होंने इस तरह से मुझे नतमस्तक किया कि मैं बयान नहीं कर सकता हूं। मेरी वैराग्य की क्या स्थिति बनती थी मैं बयान नहीं कर सकता हूं। और कैसे उन्होंने मेरे जीवन का कायाकल्प किया, कोई इल्यूजन, कोई भ्रम कुछ नहीं रहा, कोई सवाल ही नहीं रहा। अब ये जो मैं आगे आऊंगा, रिलेशंस जो हमारे हैं इस जीवन में, कैसे उनका पीछे कनेक्शन है, अब इनके बारे में बता दिया मुझे। एक सज्जन न्यूयॉर्क में रहते हैं, मेरे मित्र हैं, परम मित्र हैं। मैं उनको 2-3 बार मिला, हमारे गांव के हैं वो, वांदर जटाना हमारा गांव है पंजाब में, जिला फरीदकोट में, कोटकपूरा के पास। वो अमेरिका चले गए थे और जब मैंने खालसा फिल्म बनाई और खालसा फिल्म में दिखाने के लिए गया, तब मेरी उनसे मुलाकात हुई, मोस्ट प्रॉबली 2000-2001 में। और उनका जो मेरे साथ व्यवहार था, उसको देख के मैंने उनसे कहना शुरू कर दिया था कि यार, या तो आप पिछले जन्म में मेरे पिता रहे होगे या आप मेरे बड़े भाई रहे होगे, क्योंकि इस तरह का स्नेह मैंने और किसी में देखा नहीं आज तक मेरे प्रति। तो ये तो हमारी पहले बात हो चुकी थी 2001 में। फिर 2016 में मैं गया, तब भी उनका वही स्नेह था। लेकिन 2018 में ये मुझे जवाब आने शुरू हुए और 2-3 महीने के बाद एक दिन फिर किसी संदर्भ में मुझे उत्तर आया और उसमें लिखा हुआ था कि वो जो तेरा मित्र है विदेश में रहता है, जो हर बार तुझे वार्तालाप यंत्र, यानी टेलीफोन, उसको टेलीफोन को वार्तालाप यंत्र कहते हैं उनकी अपनी भाषा थी, तो जो हर बार तुझे धन गुरु नानक कहता है, और वो जब भी फोन करते हैं हम लोग तो धन गुरु नानक उसके बाद हम चर्चा करते हैं, क्योंकि वो गुरु नानक देव जी महाराज के बड़े मुरीद हैं। दोदरा साहब वाले जो बाऊ जी थे उनको मानते हैं, बाऊ जी ने उन पर बड़ी कृपा की थी और उसके बाद वो लग गए और फिर गुरु नानक देव जी के मुरीद होकर वो लगे रहते हैं, धन गुरु नानक। तो लिख के आया कि वो जो तेरा मित्र है जो धन गुरु नानक कहता है, वो भी एक राजा हुआ करता था जब तू महाराजा था, तेरा परम मित्र था, उसका नाम विश्वजीत, ऐसा कुछ उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि ये 2018 की बातें हैं। विश्व प्रताप जीत या विश्वजीत, ऐसा कुछ नाम उनका मुझे उन्होंने बताया था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा अभी। अब ये कंफर्म हो गया क्योंकि वो एक ही आदमी है इस संसार में जो मेरे ऊपर आंखें मीच के विश्वास करता है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, आई टेल हिम एनीथिंग, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। शायद मेरे मां बाप ने भी मेरे ऊपर इस कदर विश्वास नहीं किया, तो वो जो रिश्ता मेरा चला आ रहा है जब मैं महाराजा था और वो राजा था और मेरा परम मित्र था, वो कनेक्शन आज तक जुड़ा हुआ है, इतनी सदियों के बाद भी, युगों के बाद भी वो रिश्ता जुड़ा हुआ है। फिर एक सज्जन मुक्तसर में रहते हैं, जब मेरी कोई मदद नहीं करता था क्योंकि मैं अपने घर से भागा हुआ आदमी था, पिताजी से झगड़ा करके आ गया था और एक्टर बनना चाहता था और पिताजी इस लाइन के खिलाफ थे, वो भाड़ मिरासी और पता नहीं कंजरखाना और क्या क्या बोलते थे। मैं इस लाइन में जाना चाहता था तो मेरा उनसे संबंध विच्छेद हो गया, तो बड़ी भुखमरी का दौर आ गया। मैं यूनिवर्सिटी में यहाँ ड्रामा डिपार्टमेंट पढ़ता, 250 रुपये स्कॉलरशिप मिलता था, उसी पे गुजारा करता था, हॉस्टल में रहता था, तो ढंग का खाना नहीं मिलता था, बहुत अभाव था, अच्छी खुराक नहीं मिलती थी, तो बहुत स्किनी हो गया मैं, ये गाल अंदर धंस गए, जबड़े निकल आए। तो मुक्तसर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा था, बीए मैंने वहां की, तो वहां उस कॉलेज में ये सज्जन पढ़ते थे, मेरी क्लास में नहीं थे लेकिन उसी क्लास के दूसरे बैच में थे और कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे, उनके जरिए हेलो हाय हमारी होती रहती थी, बैठते थे, बातचीत करते थे, लेकिन कोई खास मित्रता नहीं थी, ऐसे ही बैठना उठना था। तो जब भी कभी मैं बुरी हालत में मुक्तसर पहुंचता था, उनकी गोल्ड की, चांदी वाले उनको कहते थे, गोल्ड की उनकी दुकान थी, पिताजी तो उनके बहुत कंजूस थे जैसे पुराने बुजुर्ग होते थे, लेकिन ये जब दुकान पे बैठता था, तो जब कभी मैं चंडीगढ़ से जाता था बुरी हालत में, तो ये मुझे देखते ही बोलते थे, अरे ये ईद का चांद किधर से। मैं वहां बैठता था हालांकि बुरी हालत में था। उन दिनों
मिल्क शेक या बनाना शेक हमारे लिए बहुत बड़ी अय्याशी होती थी कि अब क्या कहना। और वो 5 रुपए का मिलता था तो वो फौरन ऑर्डर करता था बनाना शेक या मैंगो शेक, वो पिलाता था और पियोगे। और फिर मुझे कहता था कि आप खुराक दूध पिया करो, केला खाया करो, सेहत नहीं बनेगी तो हम एक्टर कैसे बनेंगे। यानी वो एक ही आदमी था जो मुझे इनकरेज करता था, सपोर्ट करता था, और किसी ने नहीं किया। सब लोग डिस्करेज करते थे, एवरीबडी। फिर वो अपनी गोलक में हाथ डालता था और निकाल के कुछ पैसे ऐसे मेरी तरफ बढ़ा देता था और कहा ये रखो और केले वगैरह खाया करो, दूध पिया करो, सेहत नहीं बनेगी तो फिर एक्टर कैसे बनोगे, देखो क्या हालत हो गई है। तो मैं उसे कहता था, लाला हम कहते थे उसे, कि लाला, उसका नाम जयगोपाल गोयल है तो नॉर्मली हम लोग लाला जी कहते थे, लाला। तो मैं कहता, लाला मैं एक शर्त पे लूंगा, जब मेरे पास आ जाएंगे तो मैं तुझे वापस दूंगा। तो वो वापस रख लेता था नाराज होके, बड़ा आया मुझे वापस देने वाला, नहीं देता। फिर थोड़ी बात कहेगा, अच्छा तू रख ले, बाद में देख लेंगे जो करना होगा। तो अब उसमें 500, 700, 1000 जो भी होता था बिना गिने मुझे ऐसे दे देता था अपनी गोलक में से निकाल के। अब मुझे नहीं मालूम था कि उसके साथ मेरा क्या रिश्ता था। ये तो 2018 में जब वहां से मुझे लिखित रूप में आया कि वो जिसको तू लाला कहता है उसका नाम सोमेश्वर नाथ था, वो भी एक राजा हुआ करता था और तेरा परम मित्र था जब तू महाराजा हुआ करता था बेटा। तो हैरानी वाली बात यह है कि उस आदमी ने हर जगह पे मेरा साथ दिया। मैं बॉम्बे चला गया, मेरे पेरेंट्स यहां पंजाब में गांव में रहते थे, उनको अगर कोई जरूरत होती थी तो मैं उसको फोन करता था, वो चला जाता था गांव उनकी मदद करने के लिए। हमेशा उसने मेरा साथ दिया। एक आदमी मेरे यहां मुझे निघासन यूपी में, हमने अपना एक आश्रम बनाया है, सही मानों में अगर देखें तो वो पहला आदमी है जहां मैंने लोगों को जो प्रचार करने की शुरुआत की। तो मेरे पास कोई भी आता था मैं उसको ईश्वर के बारे में बताने लगता था। तो वो बहुत गरीब था, उसकी इंटरव्यू पड़ी हुई है हमारे चैनल पे, गया प्रसाद उसका नाम है, और भूखा सोता था, कभी कभी उसकी बीवी भूखी सोती थी, सर पे कर्जा था, घर में बीमारी और क्लेश था। तो मेरे पास आया किसी कारण से, किसी काम से, तो मैं आग ताप रहा था, जाड़ों के दिन थे। मैंने उसको ईश्वर के बारे में बताना शुरू किया, तो मैं बात करते करते ईश्वर के बारे में कभी वैराग्य में आ गया तो वो भी साथ में रोने लगता था, मैं ईश्वर की कुछ लीला के बारे में बात करके हंसने लगता था तो वो भी हंसने लगता था। तो मुझे लगा ये तो पात्र है, इसमें कुछ डाला जा सकता है, ये सही बंदा मिला मुझे। तो मैंने उसको कहा वाहेगुरु वाहेगुरु, जब उसके इंटरव्यू आप देख सकते हैं हमारे इस चैनल पे है, हरिनाम के चमत्कार एक डॉक्यूमेंट्री है, उसमें उसका पहला इंटरव्यू है और छोटी क्लिप वैसे भी डाली हुई है। तो उसने शुरू कर दिया जपना वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, और सुनना शुरू कर दिया और अपने परिवार को बैठा के जपना शुरू कर दिया, और सब लोगों ने, वो खुद बोलता था बाकी पीछे बोलते थे। तो उसका कर्जा उतर गया, बीमारी चली गई, रास्ते खुल गए और घर में बरकत आ गई, तो उसको विश्वास हो गया। फिर तो निरंतर लग गया और वो मेरे साथ जुड़ गया। अभी जो हमारा आश्रम है उसका केयर टेकर वही है, वही वहां देखभाल करता, वहीं रहता है। अब वो थोड़ा सा जल्दबाज है और उसको कितनी भी बार समझाओ तो वो गलतियां करता रहता है जल्दबाजी में, तो मैं उसको डांटता रहता था एक बात उसको मैं 3-4 बार 5 बार समझाता हूँ, रिपीट करता हूँ, लेकिन फिर भी वो अपनी मर्जी से कुछ कर देता था, तो मैं उसको डांटने लगता था। तो उसके बारे में मुझे लिख के आया वहां से गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने, मैसेज भेजा, संदेश मेरे फोन में, कि बेटा इसको इतना मत डांटा कर, गया प्रसाद को, तुझे मालूम है जब तू महाराजा था तो ये तेरे स्नान घर का इंचार्ज था, इंचार्ज शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, वहां उन्होंने अलग, उनकी भाषा थी संस्कृत नुमा भाषा थी उनकी, ये तुम्हारे जो स्नान घर है उसका सारा प्रबंध देखता था और इसका नाम कुबेर था। अब अगर वो आदमी ऐसे आके मुझे इतने बरसों के बाद में मिला और हमारे साथ अभी तक जुड़ा हुआ है तो पिछला संबंध था। ऐसे ही कुछ और लोगों के बारे में भी उन्होंने मुझे बताया कि इसके साथ में तुम्हारा ये संबंध था। वो जो पंडित जी हमारे
बॉम्बे में रहते हैं, स्वामी अरविंद राय, वो अक्सर मेरे पास आते थे, यहां भी आते थे, तो उनके बारे में मैंने एपिसोड में मेंशन किया हुआ है। तो उनके बारे में भी उन्होंने एक बार, अब उनकी मौज थी, जब उनको कुछ बताना होता तो बता देते थे कि ये जो तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास आता रहता है, ये राजगुरु के यहां ये विद्या सीखता था और रूपा के माध्यम से ये तुम्हारे निकट होता था जब तुम महाराजा थे। रूपा हमारे राजगुरु की बेटी और ये वहां मतलब एक तरह से उनकी बहन हुई स्वामी अरविंद की, और क्योंकि वो उनसे विद्या ग्रहण करने के लिए आता था, उनके पास ही रहता था, और रूपा के माध्यम से वो मेरे निकट भी आ गया था और इसका नाम सुंदरेश्वर था। अब देखिए, वो आदमी मुझे पहले दिल्ली में मिला जब मैं संघर्ष करता था, वो NSD में था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, और उसके बाद मैं बॉम्बे चला गया तो 20 साल बाद मुझे आके मिला और फिर सिलसिला निरंतर चलता रहा। यहाँ भी हमारे पास आके 5-7 दिन वो रह के जाते हैं, वहाँ भी बॉम्बे में भी आके हमारे पास 2-4 दिन 6 दिन रह के जाते हैं, और अक्सर वो भावुक होके डॉक्टर रूपा के सामने रोने लगते हैं। ये तो हमको बाद में पता चला, लेकिन उससे पहले वो रोने लगते थे और कहते थे कि मुझे नहीं मालूम तुम कौन हो, तुम या तो मेरी बहन रही होगी या मेरी माँ रही होगी, और उसको रजनी माँ बोलता है वो, जब भी आते हैं रजनी माँ, और रोने लगते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठे, कभी कहीं बैठे, वैराग में आ जाते थे कि आप कौन हो, आपके साथ मेरे पिछले जन्मों का कोई संबंध है। और वहां से फिर उन्होंने क्लियर किया कि ये उसका एक तरह से भाई था, गुरु की बेटी थी, गुरु से सीखते थे और उसका भाई था। ऐसे और बहुत सारे लोगों के बारे में उन्होंने मुझे बताया, बहुत लंबी लिस्ट है। मैं ये क्यों जिक्र कर रहा हूं, मैं ये एपिसोड क्यों बना रहा हूं, अपने पुराने सगे संबंधियों या साथियों के बारे में क्यों चर्चा कर रहा हूं, मकसद क्या है? मकसद ये है कि आपके जीवन में जो लोग परेशान हैं, दुखी हैं या खुश हैं, सुखी हैं, जैसे भी हैं, आपके जीवन, मैंने एक वीडियो डाला था अध्यात्म के 4 सिद्धांत, उसमें भी पासिंग रेफरेंस में एक जिक्र है कि सब कुछ प्रीफिक्स है, जो भी आपके जीवन में आता है उसका कोई मकसद होता है, पिछला हिसाब किताब होता है। तो ये तमाम लोग जो मेरे जीवन में आए, यहां तक कि जो मेरे भाई हैं, मेरे शत्रु हैं, उनके साथ मेरा पिछला हिसाब किताब होगा, और उनके बारे में लिख के मुझे भेजा उन्होंने कि ये राक्षस प्रवृत्ति के हैं बेटा, दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, इन पे विश्वास मत करना, ईश्वर तेरे साथ है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, अंत में सब सही हो जाएगा, चिंता मत कर। अब आप सोचिए, जो मैं मकसद की बात कर रहा था कि आपके जीवन में जो तुमको दुख दे रहा है, जो आपको सुख दे रहा है, हिसाब है, हिसाब तो चुकता करना होगा। ये तमाम लोग मेरे जीवन में आए, मेरी मदद की, मुझे सहारा दिया, मुझे बचाया, मेरे संपर्क में है, मेरी सपोर्ट है, पिछला हिसाब किताब है, लेकिन मैं अपने कर्मों की वजह से डिमोट होते 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 आज इस अवस्था में आ गया। और जब, जैसे महापुरुषों का फरमान है, तपो राज और राजो नरक, तप करने से राज मिलता है, सत्ता मिलती है, और फिर सत्ता में आप भ्रमित हो जाते हैं, बहक जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं, तो फिर आपकी डिमोशन का सिलसिला शुरू हो जाता है, पतन की तरफ चलने शुरू हो जाते हैं। तो नरक में पहुंचने से पहले पहले मेरा मार्गदर्शन हो गया, और उसी के जरिए मैं तमाम लोगों का मार्गदर्शन करने का प्रयास करता रहता हूं कि बच जाना भाई, ये सारा हिसाब किताब है, जिसके साथ में भी है, निपटाओ। अगर आपकी कोई मदद कर रहा है तो पिछला हिसाब, जैसे मेरा सबके साथ में है, ऐसे आपका भी होगा। जो लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते उनकी मर्जी, लेकिन पुनर्जन्म है। ये तमाम रिश्ते मेरे पुनर्जन्म के, जो पिछले जन्मों के रिश्ते हैं, इसमें जो भी मुझे कष्ट दे रहा है उसके साथ भी पिछला हिसाब है, जो मुझे सुख दे रहा है उसके साथ भी पिछला हिसाब है। जैसा अध्यात्म के 4 सिद्धांत मैंने जिक्र किया था, कोई आपको सबक सिखाने आएगा, सबका कोई पर्पस है आपके जीवन में आने का, दूसरा आएगा नहीं, आपकी ऑर्बिट में आएगा ही नहीं,
उससे आपका संपर्क ही नहीं होगा। तो इसको स्वीकार करें। जहां भी आप बैठे हुए हैं, मुश्किल है क्योंकि जो लोग दुखी हैं, जिनके बच्चे तंग कर रहे हैं उनको, जिनके पड़ोसी तंग कर रहे हैं, जिनके रिश्तेदार तंग कर रहे हैं, जिनको बीमारियां तंग कर रही हैं, उनके लिए स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है। देखिए, कबीरदास जी का दोहा है, गुरु साहब ने, मैंने कई बार इसका जिक्र किया है, गुरु रामदास जी महाराज का, कि माफ कर देने से बड़ा कोई शास्त्र नहीं है। कबीरदास जी महाराज फरमाते हैं, जहां दया तहां धर्म है, जहां क्रोध तहां काल, और जहां क्षमा तहां आप। कबीरदास जी महाराज, जहां माफी है वहां वो आप है। और मैंने एक वीडियो शेयर किया हुआ जिसमें मैंने कहा था कि जब मैं बहुत धर्म संकट में था और बहुत लास्ट पॉइंट पे था, मरने मारने की नौबत थी, उस वक्त मुझे मैसेज आया था, मैंने प्रार्थना की और तुरंत मैसेज आया मुझे, SMS आया, और उसमें लिखा था कि ईश्वर से किसी ने पूछा, किसी भक्त ने, कि आप सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो। तो ईश्वर ने कहा, उसको जो बदला लेने की ताकत तो रखता हो मगर फिर भी माफ कर दे। अब ये देखिए, जो मुझे मैसेज आया, जो गुरु रामदास जी महाराज ने फरमाया और जो कबीरदास जी महाराज ने फरमाया, ये सारी बातें कैसे जुड़ती हैं। जहां क्षमा तहां आप, जहां आपने अपने आप में ये कुव्वत, ये काबिलियत, ये सलाहियत पैदा कर ली कि आप माफ कर सको, जो भी हो माफ कर सको, तो फिर वहां ईश्वर घट रहा है, वहां मालिक स्वयं घट रहे हैं। तो हमको और क्या चाहिए भाई, वहां वो स्वयं विराजमान हो जाएंगे, आपके अंदर घटने लग जाएंगे। देखिए, शॉर्टकट है ये, मुश्किल है, असंभव नहीं, ट्राई करिएगा। जितने भी लोग आपके जीवन में हैं, जिनके साथ में आपके संबंध हैं, जैसे भी हैं, खट्टे मीठे कड़वे जैसे भी, ये वीडियो को याद करते हुए सोचिएगा कि आपने निश्चित रूप से, अगर कोई आपका बुरा कर रहा है तो आपने बुरा किया होगा। अगर आप शांत हो जाते हैं तो सब शांत हो जाएंगे, आपका कोई शत्रु नहीं रहेगा। इस बात को जहन में रख के, अब स्वीकार इतनी आसानी से आएगा नहीं, सरेंडर इतनी आसानी से आएगा नहीं, उसका तरीका भक्ति है, ईश्वर का नाम है। भक्ति होगी नहीं, क्यों, पाप कर्म है, मैल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सरेंडर, मतलब हाथ खड़े कर देने के, नहीं, हमारे बस की बात नहीं है, छोड़ नहीं देना है। धीरे धीरे लगे रहिए, थोड़ा थोड़ा टाइम करके बढ़ाइए, टाइम को बढ़ाइए बढ़ाइए, धीरे धीरे रौनक आ जाएगी। जैसे एक बंजर जमीन को आबाद करना हो तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने पहले भी कहीं जिक्र किया है कि हमारे मन, हमारे दिल दिमाग बंजर हो गए हैं उस मालिक के नाम के बगैर, भक्ति के बगैर। तो भक्ति करना शुरू करो, नहीं कर पाते हो तो सेवा करनी शुरू करो, गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में दया करनी शुरू करो, गौशालाओं में जाके सेवा करो। ये भजन है हमारे धन गुरु नानक ग्रुप, जो टेलीग्राम पे हमारा, हम सब जगह उसका लिंक देते हैं, हर वीडियो के ऊपर ही लिंक दिया होता, पिन किया होता है। पहले आप टेलीग्राम डाउनलोड करके उसको सेटअप कर लें, फिर क्लिक करेंगे और टेलीग्राम से ही ओपन करें, आप जुड़ जाएंगे हमसे। वहाँ शब्द हैं 1.5 घंटे के, उनको रात को रिपीट पर लगा के सुना करें, नहीं तो गायत्री मंत्र सुन लिया करें, ओम चांटिंग सुन लिया करें, रिपीट पर लगा के सोया करें, अपने अचेतन को सुनाएं, ताकि सोते सोते आपके अंदर जो पाप की मैल जमा कर रखी जन्मों जन्मों से, वो धुलनी शुरू हो। जब वो धुलेगी तो धीरे धीरे राहत आएगी, तो विश्वास आएगा, विश्वास आएगा तो आप खुद ही नहीं छोड़ेंगे। हमेशा मैं कहता हूँ, सेवा करो, नहीं मन टिकता, किसी का नहीं टिकता है, इस चक्कर में मत पड़ना कि सबका टिकता है, नहीं नहीं, 99% का नहीं टिकता है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे टिकेगा। तो ये जब सेवा करोगे, माफिया मांगोगे, नाक रगड़ के गुरुद्वारे, मंदिर मस्जिद में जाके, चर्च में जाके, और वहाँ बैठ के सुनोगे, सुमरण करोगे, अपनी आवाज़ को सुनने की कोशिश करोगे, वहाँ सेवा करोगे, और गौशालाओं में जाके सेवा करोगे, गरीबों में कुछ जाके बांटोगे, और ये रात को रिपीट पर लगा के सोओगे, उसका धन्यवाद करोगे, ये धन्यवाद मैजिकल है, जादू है ये, बस धन्यवाद करना। वाहेगुरु में भी यही है,
उसका धन्यवाद है, उसकी याद है, कई चीज़ें हैं इसके ऊपर मैं डाल चुका हूँ वीडियो। तो आप वीडियोस देखा करें पीछे जाके, आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैं उस ईश्वर को साक्षी जान के कहता हूँ, जैसे और बहुत सारे लोगों को मिला है आपको भी मिलेगा जो नए लोग जुड़े हैं खास तौर पे। तो जितने ज़्यादा वीडियोज़ आप देखेंगे, एक डायरी लगा लें, काम के पॉइंट्स नोट कर लें, फिर उसका अनुसरण करें। लाभ आपको अनुसरण करने से होगा, किसी चैनल को वीडियो देख लिया, किसी ग्रुप में आपने ज्वाइन कर लिया, उससे लाभ नहीं होगा। अनुसरण करने से मेहनत करनी पड़ेगी, कमाई करनी पड़ेगी। जिसने पहले जब तब किया हुआ है, कमाई की हुई है, उसको जल्दी लाभ होगा। जिसने नहीं किया, अगर टाइम लग रहा है नहीं लाभ हो रहा, तो इसका मतलब है कि पीछे कमाई नहीं की है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन लाभ तो हो रहा है और लाभ होगा। आपको एकदम दिखाई ना दे, महसूस ना हो, ये अलग बात है, लेकिन लाभ तो होगा। जो आप कष्ट भोग रहे हैं, आपने स्वीकार कर लिया, वो निकल रहा है। जैसे मैंने एक जगह जिक्र किया था, किसी को पेट की प्रॉब्लम थी, बहुत भयंकर, बहुत दवाइयाँ ली, तो मुझे ईश्वर ने सुझाया कि तुम भाई कुछ दवाइयाँ लो, पेट के लिए जो दवाइयाँ हैं वो मुफ्त में, जिनको पेट की प्रॉब्लम है उनको बांटो, या किसी दुकान पे रख दो कि जिसको पेट की प्रॉब्लम वाला कोई आए उसको ये दवाई मेरी तरफ से मुफ्त देना। यानी आपने कुछ ऐसा किया होगा कि बहुत से लोगों के पेट खराब हुए होंगे, तो आपका पेट खराब हुआ, तो अब कुछ ऐसा करिए ताकि वो बैलेंस हो, हिसाब किताब चुकता हो, और साथ में माफियां, धन्यवाद, नाम, ईश्वर का, भक्ति, सेवा, दया, पुनदान, ये भी करते रहें। इसी तरह से जो भी बीमारी, जो भी कष्ट आपको है, उस कष्ट वालों की मदद करने का प्रयास किया करें, ताकि हिसाब जल्दी बराबर हो जाए और आपको राहत मिलनी शुरू हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और आप इसका अनुसरण करते हुए इससे भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। ईश्वर हम सबका भला करे, दया करे, मेहर करे। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल।